दोस्तों सीरियल कुमकुम भाग्य तो आपने देखा ही होगा, जहां हमें अभिनेत्री पूजा बैनर्जी और मुग्धा चाफेकर, जो रिया और प्राची के किरदार में नजर आ रही हैं, दोनों ही इस सीरियल में अपनी लीड भूमिका अदा कर रही हैं और अपना किरदार बखूबी से पर्दे पर उतार रही हैं। वेल, इसी के साथ बताते चलें कि दोनों ही असल जिंदगी में भी शादी करके घर बसा चुकी हैं और अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से किस अभिनेत्री का ससुराल है बेहद आलिशान? नहीं ना, तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के आलिशान ससुराल के बारे में बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप इन अदाकाराओं के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री पूजा बैनर्जी की, जो कि इस सीरियल में रिया का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिन्होंने रियल लाइफ साल 2017 में संदीप सेजवाल से शादी करके घर बसा लिया है, जो प्रोफेशन से एक स्विमर है। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था। वहीं बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो इनके पास आज करीबन 12 करोड़ की संपत्ति है। इसी संपत्ति की बदौलत पूजा बैनर्जी के ससुराल वाले आज मुंबई के आलिशान घर में रहते हैं। इस घर में इनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं और इनका ये घर दिखने में हल्के ग्रे कलर का नजर आता है, जहाँ इनके इस घर में फर्नीचर, पर्दे और दीवारें सभी के लुक में तालमेल देखा जा सकता है, जहाँ इनके घर की लाइटिंग से ये घर बिल्कुल चमचमाता हुआ आलिशान सा नजर आता है। बात करें इनके वार्डरोब की, तो बता दें कि वार्डरोब में हर तरीके के ड्रेसेस देखने को मिलते हैं, जो कि ब्रांडेड होते हैं। इसी के बाद बात करें इनके अदर एक्सेसरीज की, तो बता दें कि इनके परफ्यूम, रिस्ट वॉच और पर्स तक की चीजें भी काफी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड देखी जाती है, जहाँ इनके फुटवेयर में एडिडास और प्राडा जैसे ब्रांड शामिल है। वहीं बात करें इनके ससुराल वालों के कार कलेक्शन की, तो बता दें कि इनके पास BMW, फॉर्चुनर जैसी कार्स का कलेक्शन है, जिनकी कीमत लाखों में होती है। अब बात करते हैं अभिनेत्री मुग्धा चाफेकर की, जो कि सीरियल में प्राची का किरदार निभा रही हैं। वहीं बात करें इनके रियल लाइफ हस्बैंड की, तो बता देते हैं कि रियल लाइफ हस्बैंड का नाम रवीश देसाई है, जिनसे इन्होंने साल 2016 में शादी करके घर बसा लिया है, जो प्रोफेशन से एक मॉडल और एक्टर है। वहीं इनकी नेटवर्थ करीबन 67 करोड़ बताई जाती है और अब ये इतने करोड़ के मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक आलिशान से घर में रहते ही होंगे। जी हाँ, अभिनेत्री मुग्धा चाफेकर की ससुराल वाली फैमिली एक आलिशान घर में रहती है, जो कि मुंबई के लोखंडवाला में स्थित है, जहाँ इनके इस घर का इंटीरियर डिजाइनर काफी खूबसूरत है। इन्होंने अपने घर को भी काफी लग्जूरियस चीजों से सजा रखा है। बात करें इनके ससुराल वालों के वार्डरोब की, तो बता दें कि इनके वार्डरोब में वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक की सारी साड़ियां देखने को मिलती हैं, जो कि काफी ब्रांडेड होती हैं, जिनकी कीमत करीब हजारों से लाखों में चली जाती है, जहां ये सिर्फ अपनी ड्रेसेस और फुटवेयर पर ही नहीं जमकर पैसे खर्च करते, बल्कि इनके अदर एक्सपेंसिव एक्सेसरीज भी काफी ब्रांडेड और लग्जूरियस होते हैं, जिसमें इनके हैंडबैग, परफ्यूम और मेकअप शामिल होते हैं। वहीं बात करें इनकी इन-लॉज फैमिली के कार कलेक्शन की, तो बता दें कि इनके कार कलेक्शन में BMW, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी कार शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों से करोड़ों में होती है। अब बात करें इन दोनों अभिनेत्रियों में से किसका ससुराल है सबसे ज्यादा आलिशान, तो बता दें कि वो अभिनेत्री मुग्धा चाफेकर हैं। जी हाँ, जिनका ससुराल सबसे ज्यादा आलिशान है, जहाँ इनके हस्बैंड की नेटवर्थ से लेकर इनके घर की फैसिलिटीज को देखकर हम कह सकते हैं कि मुग्धा का ससुराल पूजा बैनर्जी के ससुराल से ज्यादा आलिशान है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों अभिनेत्रियों में से किसका ससुराल ज्यादा आलिशान लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।